नाज़रीन, ये वीडियो किसी की भी दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई गई, ना किसी को रोस्ट करने के लिए बनाई गई है। इवन आई माई सेल्फ लाइक इकरा कमल अलॉट। लेकिन दो चार दिन पहले इन्होंने जब ये अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की जिसमें इन्होंने अपने हस्बैंड अरीब से जो है वो प्रैंक किया, उस वीडियो ने ना मुझे ना अजीब सा एक तासर दिया। मैंने इसको मतलब लफ्ज़ों में नहीं बयान किया, मैंने इसको छोड़ दिया। इवन मेरी बेटी 8 साल की, वो भी इनकी जो वीडियोज़ हैं वो बहुत मतलब खुश होकर और जोश से देखती हैं और इनको आइडियलाइज़ करती हैं, क्योंकि इस एज में जिस कामयाबी की पॉइंट पे ये हैं, बहुत सारी लड़कियां अगर इनके मिलियन व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइबर्स हैं तो उसमें जो है वो मोस्टली लड़कियां इनको फॉलो करती हैं, इनको आइडियलाइज़ करती हैं। ऐसे में जब आप ऐसी पोजीशन पर हों, उसको होल्ड करने के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट लाने होंगे। ऐसे अगर आप जो हैं वो कंटेंट लाएंगी जिनका कोई सर पैर नहीं है, या रियल लाइफ में आप देखें कि अगर ये कर रही हैं तो रियल लाइफ में कोई वाइफ अपने हस्बैंड के साथ ये कंटेंट क्रिएट कर सकती है? तो फिर लोगों ने इसके ऊपर जो कमेंट्स किए हुए हैं कि ये सब पैसे के लिए, ये फेम के लिए है या किसी भी किस्म की अटेंशन के लिए है, तो वो फिर गलत नहीं है। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है बस यही कि ये जो हैं अपने ऐसे स्ट्रॉन्ग कंटेंट लेके आएँ कि जो इनको देखने वाले हैं वो उनके लिए वैल्यूएबल हों। बहुत सारे बच्चे भी इनको देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, हाउसवाइफ्स भी देखती हैं, तो मतलब ऐसी चीज़ हो जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। मैं नहीं कहती कि टीचर बन जाएँ, मैं क्यों कहूँ भाई, उनकी अपनी लाइफ है, लेकिन कुछ ऐसा भी ना लेके आएँ जो वियर्ड लगे, ठीक है, दिस वॉज समथिंग वेरी वियर्ड। और लोगों ने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया है और मैं आपको मतलब अच्छा समझती हूँ, आप मुझे अच्छी लगती हैं, आप बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, तो काइंडली आप जो है ना, मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी शुरू में बताया कि दिस इज़ नॉट अ रोस्टिंग वीडियो और ना ही किसी की दिलाज़ारी के लिए, जस्ट अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबने दिया तो उसके अकॉर्डिंग मैंने भी दिया।